क्षण रही जातु मत प्रतीत होम को रूप परिवर्तन करी आयोजन को जीवा उचित अन्यथा आयोजन रे विघ्न उत्पन्न हो पारे आदि कंस पाखे कथा पहुंची जाए ताहले नारायण नारायण समस्त को कुलवासी संकट आसीज कौन इंद्रदेव मु उचित कहूँ ना आपण वचन उचित देवर्षि आम समस्त रूप परिवर्तन करी आयोजन प्रभु दर्शन करवा पिताश्रीक सहित समस्त देवता मोर प्रणाम पुत्र शनि तुम्हें एठारे कौन कर विष्णु अवतार सुंदर रूप दर्शन करने को आसी पिताश्री नाई शनिदेव आपणकर प्रभु बाल्य रूप दर्शन करने उचित नुहे भगवान दर्शन मुहरे आपण भूली जाऊँचे आपण दृष्टि से अवध शिशु विपद आसी जापे एपरी हम ना इंद्रदेव मो सामान्य दूररू प्रभुंकर बाल्य रूप को दर्शन करिनेबी आउ से तो कौन सी साधारण शिशु नुहंती स्वयं विष्णु सीए तांको उपरे मो दृष्टि कौन सी प्रभाव पड़ी मानुची से स्वयं भगवान किंतु एही आयोजन रे कौन सी विघ्न घटू एक आम कदापि चाहिबुनी अतः आपण एठारु फेरी जातु मोर संपूर्ण विश्वास अच्छी एपरी कौन सी अनर्थ हेब ना इंद्रदेव मुझे आपणक प्रभु बाल्य रूप दर्शन करने को चाहिए पुत्र शनि इंद्रदेव कथा सत्य तुमर आम सहित सेठाक जावा उचित हेनी से फेरी जाओ यथाज्ञा पिताश्री आपण को आदेश मु अवज्ञा करें किंतु एक प्रश्न अच्छी से ईश्वर जे आम समस्त को सृष्टि कौन ता एक तिरस्कार पात्र जड़े निर्माता तांकर प्रत्येक सृष्टि प्रिय होइथाए ताहले एपरी भेदभाव केवल मो प्रति काहे काहे कि प्रभु पापी मानंकु दंडित करिवार अधिकार आपण ही मते देइछंती ताहले एथिरे मोर कौन दोष अछि तमे शीघ्रति शीघ्र मते कुह मो धैर्यर सीमा को परीक्षा करनी अन्यथा एहा पूर्वरु मो तरबारी तुमर मस्तिष्क शरीर अलग कर दिव उत्तर दियो मते उत्तर दियो कही दियो मित्र वसुदेव कही दियो मित्र महाराजा प्रश्नर उत्तर दियो
नंद केवल एथिपाई उपहार नहीं आसी नहांती जे तांकर फसल भल होई परंतु यहाँ पछरे अन्य कौनसी प्रयोजन अछि। कहि दउ न काहेकि मित्र जे तुमे एथिपाई एठिक उपहार नहीं आसीच काहेकि ना महाराज मते कारागारु मुक्त कर दैछन्ते। हाँ महाराज, नंद मोर बाल्यकालर मित्र, जेमिति तांकु सूचना मिलिला जे आपण मते कारागारु मुक्त कर दैछन्ते मते साक्षात करबाकु चली आसी। आपणकु स्पष्ट कहबाकु चाहू नांति, काले आपण क्रोधित हेबे। निसंदेह मोर मित्र, आपणकर विश्वसनीय मु आउ सदा सर्वदा रहिबे। कौन एहा सत्य? हाँ महाराज, मु आपण को उपहार भी देबा को चाहूथिले आउ आपण को अपराध बोधर अनुभव भी करबा को चाहू नथिले। कौन एहा सत्य वसुदेव? असत्यर प्रश्न ही नहीं महाराज। कि अद्भुत मित्रता तम दुईकर, घनिष्ठ मित्रता। तेबे ठीक अछि, मु तुमको प्राणदान दउछि, अन्यथा तुम भल भाव जानिछ जे मु कोन करि पारिबि। मित्र नंद, सबु किछि महाराजंक पई नै कि आसी छना, मो पई मध्य किछि अछि। महाराज, महाराज आपण आज्ञा देले मु मोर मित्रंकु आतिथ्य पई मो गृह को नै जेबी। हां हां, आज्ञा देली। प्रणाम महाराज। जा जा जा, आसो मित्र। चलो मित्र। नंद, अवश्य मो पाखरे किछि लुचौछि, परंतु यथाशीघ्र मते ज्ञात होइजिव जे नंद मो पाखरे कौन लुचौछि। ये कौन आर्य? मोर तो जेपरि श्वास अटकी जाइथिला। यदि पिताश्री वसुदेव ठीक समय रे नंद बाबा सहायता पे आसी न थांते तेबे नंद बाबा कौन ही थांता? एते भयभीत कहीं कि हेउछ रुक्मिणी, केबे कोनो भय रे किछि हेई परिछि? नाही, ताही तो हेई थाए जहा नियति लेखि था। नंद बाबा मृत्यु कंस हाथ रे लेखा ही हेई नथिला, सेथि पई तो नंद बाबा को मारिबा को आतुर कंस तांकु मारी पारि नथिला। टिके चिंता करी देख, जदि कंस एक कथा जानी परि थांता जे मु गोकुल रे नंद बाबा गृह रे अछि, ताहले से कोन मते जीवित छाड़ी थांता? नाही, परंतु नियति तो अन्य किछि लेखि थिला। आपण कोन कहउछन्ति माधव? मु तो किछि भी बुझी पारुनी। जदि एहा ही नियति थिला तेबे नंद बाबा कंस को आमंत्रित कले काहेकि? मु तो बहुत आतुर, एक पक्ष शनिदेव दुखी थिले, अन्य पक्ष रे नंद बाबा संकट रे थिले। कुहंतु ना जे आग को कौन हेला? कौन नंद बाबा गोकुल रे समस्त को ठीक समय ये संदेश देई पारिले? मित्र नंद, मित्र तमे ठीक समय रे आसीगलो मित्र, किंतु मु तो तुमको सूचना देई नथिली, तुमको ज्ञात हेला किमिति? मते सूचना थिला मित्र, एते सबु उपहार राजसभा पई नै कि आसीछ, अवश्य मो सह ही संबंध थिला, मोर अनुमान सत्य थिला। धन्यवाद मित्र, मु तो पुत्र जन्मर आयोजन पई कंस को निमंत्रण देबा पई आसीथिले, मते ज्ञात नथिला मित्र जे दुष्ट कंस समस्त शिशु को बध करिवार क्रूर आदेश दब। तुमे ठीक समय रे आसीगलो मित्र। मित्र मु ठीक समय रे आसीछि, तमे मध्य बाहर जाओ, गोकुलवासी को चेतावनी देबार अछि। कंसर मृत्युर भय तार मस्तक चढ़ी तांडव करुचे, एथिपाई से पाप परे पाप करी चली। मित्र
शीघ्र अति शीघ्र गोकुल जाओ। सेठिकार नवजात शिशु को रक्षा करिबा तुमर उत्तर दायित्व। मु आसुचि मित्र, मु आसुचि। हाँ। मित्र मित्र नंद मु किछि नै केसि छी, एथिरे खेलना अछि तम पुत्र पाई। मु मो पुत्र पाई करिथिली, परंतु ये मोर कौनसी कार्य को नुहे, तुम पुत्र खेलिबारी काम आसब। मित्र एमित्रे भी तुमर पुत्र मोर पुत्र समान। अवश्य मित्र, अवश्य मु आसुची मित्र। हाँ। आसुची। हे ईश्वर, मोर मित्र नंदंकु आउ मो पुत्र को सुरक्षित रखिबे। देवता हे मध्यो मो केते अभागा प्रभु, मो सहित एपरी अन्याय काहेकि प्रभु। प्रभु आपण समस्त देवतांकु दर्शन देले, मनुष्यंकु भी आपणक दर्शनर सौभाग्य मिलिला, कोण मु समस्तंक ठारु तुच्छ। कौन हैला रुक्मिणी, केउठी हजिगला? हजि जाइनी माधव, व्यथित अछि। मु एही कथा भाबुछि जे शनिदेवंक मन सेतेबेले कौन हेथिबो, जेतेबेले देवता माने तांकु आपणक दर्शन पाई मना करि देले। मानुछि शनिदेव कठोर कार्य करुछन्ति, परंतु आराध्यंक पाई समस्त तो समान ना। शनिदेवंक आपणक दर्शन न करिबाक आदेश देबा पाई अन्य देवता माने किए? आउ कौन बा करा जीव रुक्मिणी, शनिदेव न्यायर देवता अटंती, आउ तांकर कार्य तो एया जे पाप करुथिबा व्यक्तिंकु से दंडित करिबे, आउ एही कारणरु तांकु कठोर हेबाकु पड़िथाय। काहेकि ना से हेउछंती दंडनायक, तांको अधिकारे केवल दंड देवा ही लेखा अछि, आउ समस्तंक दृष्टि रे तांको चित्रण एपरि होइ जाइछि जे सीए केवल खराब कार्य ही करिथांती, आउ जी तांको दृष्टि रे आसीथाय तार भाग्य खराब हेइ जाइथा। परंतु केही बुझिबाकु चेष्टा करंतिनी जे मनुष्यर भाग्य ता कर्मर ही दास। अर्थात तांको तांको उत्तर दायित्व को अंतर सहित पालन करिबार दंड मिलिला। मानुची जे मनुष्यर प्रकृति एपरि हेइथाय जे जे दंड दिए ताको से भय करे, परंतु देवता माने भी तांको बुझिलेनि, आउ आपण प्रभु आपण भी एपरि हेबाकु देले। मु पुणि एपरि किपरि हेबाकु देइ पारिबि? मु थाउ थाउ मोर भक्त सहित एपरि अन्याय हेबाकु देइ पारिबि? घनघोर घटाकार कारे चुपचाप खड़े मुनिवर सारे, जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राही माम मिलके सारे। घनघोर घटाकार कारे चुपचाप खड़े मुनिवर सारे, जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राही माम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए, हर्षित सारे मदमस्त हुए।
जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे। फिर भोर निशा स्वागत करने को देव सखा नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा। देखो भ्राता, आमको देखिबा को किया से जंती की समस्त देवता रूप बदले आसी जंती। मोर कर्म जहा करिबार उत्तर दायित्व आपण मते दे छंती, आज से कर्म मोर दोष हे जाई छी। काहे की वंचित रहिली मु आपण को दर्शन रु, आपण को पाख को आसी रजर ई पावन भूमि को आसी ओ आपणकर दर्शन पाई पारिलिनी। यहाँ की परी दुर्भाग्य मोर प्रभु, केते अभागा मु। ठीक अछि प्रभु, आपण मते दर्शनर सौभाग्य देले नहीं, एथिरे आपणकर कोनसी लीला ही थिबो, तेबे कोन हेला मु आपणकर साक्षात दर्शन पाइलिनी। एई माटीरे आपणकर मूर्ति निर्माण करी मु मोर ए अभिलाषा पूर्ण करिनेबी। दीदी टिके देखिलो, गंभीर विषय कथा हाँ जशोदा ठीक कह तमें, एमती लगुच दुई भाई बहुत भल पड़ जशोदा देवी को कह आम ब्राह्मण आउता पुत्र को दर्शन करने को आस जशोदा रानी ब्राह्मण माने आसी चंती, से पुत्र रे दर्शन चाहू चंती। ई तो बहुत आनंदर कथा, ई तो मोर सौभाग्य जे ब्राह्मण देवता स्वयं मो पुत्र को आशीर्वाद देबा को चाहू चंती। मो एबे पुत्र को नहीं आसु छी, चल पुत्र ब्राह्मण देवता को मो तोर दर्शन करई देबी। ई कोन मो पुत्र को मो उठेई पारुनी काहे की, मोर तो इते छोटो पुत्र इते भारी काहे की लागुची,